हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रही, तुम बताओ। हाँ, फ्री हो क्या? फ्री हूँ। क्यों, कोई प्लान व्लान तो नहीं है तुम्हारा आज शाम का? आज शाम को? मतलब क्या प्लान हुआ मेरा? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ, आज शाम को कहीं जाना तो नहीं है तुम्हें? फ्री मुझे तो कहीं नहीं जाना। क्यों, बिल्कुल। हो तो मूवी देखने चलोगे? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मूवी देखने चलोगी, ये वाली बात है? वो तो मुझे भी लगा, मैंने भी सुना है कि मूवी देखने चलोगी, ये वाली बात है। बट फिर अचानक क्यों पूछा? आज क्या बात इतने है, क्या दिनों बात बाद है? मूवी का कैसे मन हुआ तुम्हारा? नहीं यार, मैं सोचा बहुत टाइम से हमने कोई मूवी नहीं देखी साथ में, तो चलते हैं मूवी देखने। बढ़िया से कोई जो लगी होगी देख लेंगे। बताओ। कौन सी? देखो यार, मैं चल लूंगी तुम्हारे मूवी देखने, पर जो जो इतना लगी रो के मत होगी। चलो। नहीं, रो के नहीं चल रही, हंस के ही चल रही। पर तुम कह रहे हो जो लगी होगी वो देख लेंगे, तो यार ये बात सही नहीं है कि जो लगी होगी वो देख लेंगे। बिकॉज मूवी की स्टोरी अच्छी होनी चाहिए, तो कुछ क्या कोई मूवी मूवी अपने अच्छी। लिए स्पेशल लगवाओगी तुम कि हाँ मुझे ये वाली मूवी देखनी है, चलो ये वाली मूवी लगा के दो फटाफट, ऐसा कहोगे? ऐसा तो होगा नहीं, जो मूवी लगी होगी वही देखनी पड़ेगी ना, तो इसलिए कह रहा हूँ। मैंने ऐसा नहीं बोला, तुमने बोला ना कहने का ऐसा मतलब ये था कि तुमने जो बोला कि जो लगी होगी वो देख लेंगे। या तो अगर हमने देखी, उसके बाद हमें स्टोरी पसंद नहीं आई, या फिर कोई अच्छी नहीं हुई, ट्रेंडिंग पे नहीं हुई, तो फिर यार देखो, तुम्हारे पैसे भी वेस्ट और हमारा टाइम भी वेस्ट, और हम दोनों बोर भी होंगे, वो अलग। लेकिन जी कोई अच्छी सी मूवी हो तो चलेंगे दोनों। मना थोड़ी कर रहे हो चलने के लिए। हाँ नहीं, मैंने वैसे आज शाम को मैंने शो देखा था, वो अच्छी मूवी है, तो चलने के लिए मैं फाइट तैयार वाली हूँ। भी है, थोड़ी बहुत रोमांटिक भी है। हाँ, तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पक्का? बस एक विनती है आपसे, छोटी सी यू मीन रिक्वेस्ट? या यस। रिक्वेस्ट। देखो, मूवी देखने का प्लान होता है ना, जैसे मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ तो तुम्हें अच्छा लगेगा नहीं कि मैं बोलूँ मेरे दोस्त भी साथ में जा रहे हैं? है, अच्छा ही लगेगा ना तुम्हें? तो वैसे ही मैं चाहता हूँ कि तुम आओ और मैं जाऊँ साथ में। मैं कहने मतलब समझ रहे हो तुम? ओनली यू एंड मी। या जैसे एक बार हुआ था, तुम अपने फ्रेंड को ले आई थी कि मुझे यार ये भी मूवी देखे ना साथ में, तो वो स्पॉइल कर दिया था उसने पूरा, है ना? उससे पहले तुम भाई को ले आई थी अपने छोटे वाले, तो उसने तो मूवी तो स्पॉइल कर दी, हमारी डेट भी खराब कर दी, और उसने क्या जो डेट खराब इतना करी बड़ा मेरा यार, बिल निकाला वो अलग। उसने क्या डेट खराब करी? वो मतलब उसे सडनली पता चल गया कि मैं बाहर जा रही हूँ घूमने, वो भी तुम्हारे संग। तो या उसने बोला नहीं, मैं भी चलूंगा दीदी, मैं भी नहीं, चलूंगा, मैं भी एक चलूंगा। बैठने का तरीका होता है ना, आप बैठ रहे हो, फिर मैं बैठूं, फिर वो बैठे, ठीक है, जब मैं बैठूं फिर आप बैठो फिर वो बैठे, राइट? ऐसे होगा, या मैं बैठूं आप बैठो फिर वो बैठे, ऐसे भी होगा, लेकिन ऐसे समझ में नहीं आ रही ना, आप बैठो फिर वो बैठे फिर मैं बैठूं, तो कुछ नहीं यार, मतलब वो सेंस अगर नहीं वो बनता बाहर ना इस जाता बात है तो उसे का। डर लगता है कि वो कहीं घूमना ऊपर वजह से इसलिए। ये लो कोल्ड ड्रिंक पकड़ना है रहा, लो बर्गर पकड़ना है रहा। मैं सीरियसली वहां पे कोल्ड ड्रिंक बर्गर पकड़ने नहीं गया हूं मैं, छोटा बच्चा और उसने यार। मजाक ही में, छोटा बच्चा है सीरियसली, 15 साल का इंसान छोटा नहीं होता है। उसने क्या बोला, आपने बर्गर खा लिया था अंधेरे में मेरा? सीरियसली उसने आधा बर्गर खा के दिया मुझे और पकड़ने के लिए, और कोल्ड ड्रिंक पी रहा, उसके बाद बोल रहा है कि मैंने खाया वो बर्गर। बच्चा है वो, सीरियस, 15 साल का बच्चा है। मिले तो मेरा भाई, चाहे 20-35 साल का भी हो जाएगा, वो मेरे भाई छूटा ही रहेगा। नहीं, छोटा रहेगा, बच्चा नहीं रहेगा ना नहीं, वो, बच्चा ही रहेगा वो मेरे लिए। तुम्हारे लिए रहेगा ना, एक्चुअल में नहीं रहेगा वो, नहीं, एक्चुअल में नहीं रहेगा, पर मेरे लिए तो रहेगा ना। अगर तुम्हारे तुम लिए भी कोई रहेगा। मुझे रियलिटी दिखाने की कोशिश करोगे, तो मुझसे यही बोलोगे, तुमसे यही बोलोगे यार, वो छोटा है, तो बच्चा है, मैं रहने वही दो। कहना चाहता हूँ, क्योंकि सिर्फ वो आप और अकॉर्डिंग मैं, टू मी, मेरे लिए अगर वो 60 साल का बुढ़ा भी हो जाएगा, तब तो वो मेरे लिए बच्चा ही रहेगा। तो मैं वही कहना चाहता हूँ, आप और मैं, बस हम दोनों मिले। नहीं, तो मैं कौन सा तीसरे को लेके आ रही हूँ यार? हर तुम तो बारी ऐसे आप बोल आते रहे हो हो, ना, इसलिए कह रहा हूँ, तुम तो ऐसे बोल रहे हो। तुम कितने लोगों को लेके आती हो अपने संग? लेके ही आती हो तुम, एक बार भाई को ले आई थी, एक बार एक बार दोस्त को ले दोस्त आई को थी, ले आती, बस। अब एक बार मेरी फ्रेंड को ले आई थी तुम, बस एक बार वही चाची की लड़की थी उसको ले आई थी, बस चाची की लड़की को अपने गेम में एक बार लेके नहीं आई थी? नहीं तो याद करो, अपने लेके आई थी। याद करो। शायद हो सकता है मैं ये अंतर कमजोर हो गई हूँ। या और बताओ। जो तुमने बोला उमंग रास्ते में मुझे मिल गई, तो मैं सोचा चलिए यार दोनों साथ चले जाएंगे, याद है? याद तो नहीं आ रहा, पर हो सकता है तुम्हारी पास वाली चाची, पास वाली चाची। जो तुम्हारे कॉलोनी के दूसरी कॉलोनी में रहती है,
ऐसी मेरी 5-6 चाची सॉरी है, सॉरी, वो मुंह बोली चाची है इसलिए तुम्हें याद नहीं आ रहा होगा। नहीं मैं मुंह बोली चाची वो ज्यादा याद रखती हूँ, क्योंकि अच्छा काम वाली चाची से, वो जो रियल वाली चाची से ज्यादा अच्छी होती है, मुंह बोली चाची है वो, काम तो आती है एटलीस्ट। अच्छा तो अब कहने मतलब आप किसी को लाओगे तो नहीं, नहीं यू एंड मी, यस बस हम दोनों मूवी देखेंगे और कोई नहीं आएगा? पक्का? प्रॉमिस? प्रॉमिस कोई नहीं आएगा? कोई नहीं आएगा चलो ठीक है, फिर मैं टिकट बुक करा दूँ। क्या? अच्छा मूवी के यहाँ करा दो, भूल गई थी, करा तो मैं टिकट बुक करा दूँ ना। दो। और क्या बोलते हैं, कौन सा शो, कौन सा शाम का, रात का, दोस्तों रात में तुम्हें जाने नहीं पाऊंगी, के साथ तो चली जाती हो, दोस्तों के साथ अलग बात करती हूँ। कोई बात नहीं, शो बता दो। शाम का शाम का है ना, वही आते आते फिर तो रात ही हो जानी है ना। चलो ठीक है फिर, मुझे टिकट हो रही है हमारी 500 रुपये की, 250 की एक पड़ रही है, लेकिन ऑफर में चल रही है तो हमें 480 की पड़ रही है, तो एक टिकट हुई 240 रुपये की। तो तुम कैश दोगे या फोन पे ट्रांसफर कर दो? कौन ले जा रहा है मुझे मूवी देखने, तो मैं पैसे कौन देगा? नहीं, मैंने कहा हम दोनों साथ हमेशा की चल रहे हैं। तरह आप ही दोगे पैसे। नहीं मैंने कहा हम दोनों साथ चल रहे हैं, मैंने ऐसे नहीं कहा कि पूरे पैसे मैं पे कर ऑफर रहा किसने हूँ। किया? मुझे तो कोई ऐसा, मुझे तो मैंने ऐसा कोई बोला मन कि नहीं फ्री था, हो, मेरे साथ इवन मूवी देखने चलोगे? मेरा तो ऐसा कोई मन नहीं था खास मूवी देखने का, तुमने ही मुझे उत्सुक किया, नहीं तो यार मैंने पूछा था ना, मेरे साथ मूवी देखने चलोगी तो इंसान क्योंकि आप मूवी चलेगा, देखने चलोगे पैसे आंखें तो नहीं दे बंद पाऊंगी। करूंगी सॉरी नहीं अपनी। नहीं, मैं आंखें बंद कर लूंगी, मैं वॉइस से काम चला लूंगा। और बताओ नहीं तो वॉइस के पैसे लगते हैं ना। मैं तो एक बार थिएटर में गया था, 10 मिनट मूवी देखी, अच्छी लगी, वापस आ गया, फिर भी पूरे पैसे देने तो, पड़े। तुम्हारी इच्छा थी ना वो, तो तो तुम तो देखो मेरी इच्छा के विरुद्ध जा रहे हो चलो, मैं ना। तो, मैं लेके जा रहा हूँ, मैं लेके जा रहा हूँ, तो एक काम करते हैं, 200 रुपये तो 40 रुपये में भर दूंगा था, 200 रुपये भेज दो, 40 रुपये में भर दूंगा, और वहां पे ये भी क्यों एहसान कर रहे हो जो ज्यादा भी से हम भर खाएंगे दो? वो 50-50 है, वो तो अच्छा 40 रुपये भर दोगे, उसके बाद 50-50 है, नहीं, जो भी खाएंगे उसका 50-50। मुझे नहीं जाना, चाहे तुम अंदर, तुम्हें याद नहीं रहे, जाना पॉपकॉर्न मुझे, खाना, बर्गर नहीं खाना, जाना कोल्ड ड्रिंक मुझे, पीना, नहीं जाना ही नहीं है मुझे, चलो ना, चल रहे हैं, मजा आएगा। मैं जाना ही नहीं, ऐसे मजा करना ही नहीं जिसमें मेरे पैसे खर्च हो मेरे को बहुत साल, ना। सुन तो लो, बहुत टाइम पहले याद है, मतलब जब मैं, बहुत टाइम पहले, कम से कम आज से 8-9 साल पुरानी बात होगी, जब मूवी देखने आता था तो वहाँ पे पेटिस मुंह मिलती देखने थी, आते थे? मूवी मूवी अच्छा पेटिस मुंह देखने, मिलती मतलब मुंह थी किसका है ना, देखने पेटिस जाते मिलती थी, तो मूवी देखने के पैसे तो कहीं ना कहीं से जुटा लेता था, पेटिस के नहीं जुटा पाता था, तो मैं देखता था यार ये खा रहे हैं, अगली बार आऊँगा तब पैसे लेके आऊँगा पेटिस के। बहुत बुरा होता था मेरे साथ। और सबसे बुरी बात, सब सीटियां बजाते थे यू की इन्हीं एंट्री किस्सों पे। में से मुझे भी एक बात याद आ गई। जल्दी आता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, हम क्या टाइम नहीं है मेरे पास, किस चीज़, टिकट बुक करानी है ना, फिर सीट अवेलेबल नहीं तुम क्या होगी। पागल हो क्या? ऐसे हम स्कूल में, मतलब हम लंच टाइम से पहले अपना लंच फिनिश कर लेते थे, उसके बाद हम मम्मी 5-5 रुपए दे देती थी, हम ज़्यादा बड़े नहीं थे, तो हम 5-5 रुपए में से 10 लड़कियों का ग्रुप थे, तो फिर हम सारे पैसे खर्चे करके, चीज़ भी स्कूल के अंदर आती तो ज़्यादा पैसे की नहीं मिलती थी, कोई 5 रुपए की, कोई 8 रुपए की, 5 रुपए की, 6 टिक्की, ये सब चीज़ मिलती थी, तो हम सब मिला के पैसे फिर खाते थे, लास्ट में बस चाउमिन खाते थे, समोसा खाते थे, और फिर लास्ट में कोल्ड ड्रिंक या फिर आइसक्रीम, वो रोज का तय था, सब चीज़ें खा के बस फिर जाते थे क्लासरूम में। तुम बचपन से इतना खाती थी, फिर भी तुम पतली कैसे हो? तुमने मुझे पतली कह कि मेरा वजन तो बढ़वा ही दिया तुमने, कभी तुम कहती हो कि मेरी मम्मी पैसे ही देती थी खाने के लिए, कभी बोलती हो मैं ये खाती थी वो खाती थी, तो मैं लॉजिक समझ गारंटी ना ये है कैसे। मेरी लेकिन मम्मी मुझे पैसे देती थी, मैंने तुम बताती नहीं हो, कब बोला मैं बताती हूँ, एक बार तुमने कही थी मैं मम्मी बता पैसे रही ही हूँ ना, देती थी बचपन से। मम्मी मुझे 20 रुपए देती थी, दादी मुझे 10 रुपए देती थी, और पापा मुझे 10 रुपए देते थे, और कभी कभी मैं चाचा से भी ले लेती थी, और कभी कभी जैसे कि मुझे पैदल चलने का मन नहीं होता तो मैं कोचिंग जाने के लिए भी पापा मम्मी किसी से भी पैसे ले लेती 10 रुपए की, मैं ऑटो से जाऊंगी, पर मैं जाती हूँ पैदल ही थी, स्कूल के भी मुझे ऑटो के लिए किराए मिलते थे आने जाने के, 10 रुपए, 10 रुपए चलते थे तब तो स्कूल के, तो 20 रुपए मिलते थे, वो भी मैं 20 रुपए बचा लेती थी पैदल जाके, तो वो 20 बचे, वो 10 बचे, और 10 मम्मी ने खाने के लिए दिए वो बचे, और जो 10 10 और सबने दिए वो भी बचे, तो वो सारे पैसे जोड़ के हम कभी कभी चीज खाते थे, बाकी वो ओके पैसे मेरे रखे जाते, संभाल के आई रखते थे मेरे, अंडरस्टैंड, मैं समझ गया, मैं समझ गया, पर पूरी बात तुम्हारी डिटेल में समझ गया, कसम मैं यही कि तुम बचपन से बहुत खाओ। पैसे जमा करके रखती थी, खाओ नहीं बोला मैंने, अच्छा चलो, मैं मूवी टिकट बुक कर लूँ, चलो ठीक है, ठीक है, फोन रखूँ, बाय, बाय। टेक केयर।
टेक केयर, बाय।